अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बिहेवियरल साइकोलॉजी के KMU के पास पेपर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, MCQs को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे MCQs नंबर 36 से। हमारे साथ MCQs नंबर 36 है जिसमें कहते हैं कि द MMPI मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। MMPI किस से आता है? MMPI स्टैंड फॉर मिनेसोटा मल्टी फिजिक्स पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ठीक है, मिनेसोटा मल्टी फिजिक्स पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। सो इसके ज़रिए जो है हम मंदरजा ज़ैल चीज़ों को मैयर कर सकते हैं, मतलब इसके ज़रिए हम मूड की मैयरमेंट भी कर सकते हैं, सोशल एटीट्यूड की मैयरमेंट भी कर सकते हैं और फिज़िकल कंसर्न की मैयरमेंट भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन डी, विच इज़ ऑल ऑफ द अबव। MCQs 37 कहते हैं कि डैश इज़ द साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल रिएक्शन टू सर्टन लाइफ इवेंट और सिचुएशन। तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है ये असल में हमारे साथ साइकोलॉजिकल फिजिकल रिएक्शन होते हैं, जिसमें जो कि हम रोज़मर्रा के जो सिचुएशन होते हैं जिसको हम फेस करते हैं, तो इसको फेस करने के नतीजे में जो है हमें क्या होता है, इस तरह के रिएक्शन करने पड़ते हैं। ठीक है, MCQs 38 की तरफ आ जाते हैं जिसमें कहते हैं कि डैश इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट इज़ पोटेंशली हार्मफुल एंड मे एग्जॉस्ट एडाप्टिव कैपेसिटी। तो वो क्या है, मतलब स्ट्रेस की वो कौन सी किस्म है जिसमें हम जो है पोटेंशली हमें बहुत ज़्यादा नुकसान मिलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे जो कैपेसिटी होती है, हमारे जो एबिलिटीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो स्ट्रेस की जो किस्म है जिसमें ये होता है तो उसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, MCQs 39 डैश इज़ अ नेगेटिव इमोशनल स्टेट जनरली एसोसिएटेड विद अ ब्लॉक गोल। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें हम जो है इंडिविजुअल जो है वो इमोशनली नेगेटिव कंडीशन में होते हैं और इसके साथ साथ वो अपने मकसद को अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQs 40 All are the positive effects of stress except। कहते हैं मंदरजा ज़ैल में से तमाम जो है ये स्ट्रेस के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है सिवाय एक के। तो वो एक हमारे साथ क्या है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ऑप्शन सी हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs 41 डैश इज मोबलाइजेशन ऑफ रिसोर्स टू सोल्व द प्रॉब्लम कंटिन्यू स्ट्रेस काज एडाप्टेशन। कहते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक रिसोर्स है। ठीक है, और इसको जो है इसमें क्या होता है, कंटिन्यू स्ट्रेस, इसमें जो है बंदा जो है वो मुसलसल स्ट्रेस में रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो उसके साथ आदि हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इस किस्म के प्रोसेस को रेजिस्टेंस कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट है। MCQs 42 एम्पथी इन्वॉल्व्स। एम्पथी में क्या आता है, एम्पथी से मुराद दूसरों के साथ हमदर्दी करना, दूसरों की तकलीफ़ को, दूसरों के दर्द को, दुख को ऐसे महसूस करना जैसे कि आप पर खुद बीत रही हो। तो ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है, जो कि पुटिंग योर सेल्फ इन समवन एल्स शूज, मतलब आप दूसरे लोगों के साथ इतना गमगीन हो जाए, ऐसे गमगीन हो जाए कि उनकी जो तकलीफ है वो आप उसको महसूस कर सके, तो इसको एम्पथी कहते हैं। MCQs 43 डिस्ट्रेस इज़ अ डैश। डिस्ट्रेस जो है ये असल में हमारे साथ नेगेटिव रिस्पॉन्स है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQs 44 स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस इफ़ इवेंट आर कंट्रोलेबल बट ओनली इफ़ वी एक्सरसाइज दैट कंट्रोल। ठीक है,
कहते हैं कि स्ट्रेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर इवेंट जो है वो हमारे साथ कंट्रोलेबल हो, अंडर कंट्रोल हो, उसका हम कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ हम इसको कंट्रोल भी सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब हम उसके लिए क्या करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, कंट्रोल करने की एक्सरसाइज करते हो, तो तभी हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। MCQ 45, What are some positive effect of stress? स्ट्रेस के जो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स है वो क्या है? तो स्ट्रेस के पॉजिटिव इफेक्ट में हमारे साथ ये आता है कि इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड एफिकेंसी। अगर हम मिसाल के तौर पर हमारे जो है, आप सब दोस्तों को पता है कि आपके जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप पर एक स्ट्रेस है, तो इस स्ट्रेस की वजह से जो है आप मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मैं जो MCQs अपलोड करता हूँ आप दोस्तों के लिए, तो आप उन MCQs को उसी टाइम देखते हैं, तो ये असल में एक पॉजिटिव स्ट्रेस है, ठीक है, इससे आपको फ़ायदा होता है और इससे आपको नुकसान नहीं पहुंचता, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। तो ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQ 46, स्ट्रेस इज डिफाइन ए, स्ट्रेस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? स्ट्रेस ये असल में हमारे साथ जो आउटसाइड एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलस होते हैं, तो उस स्टिमुलस को हम जो रिस्पॉन्स देते हैं, जो रिएक्शन देते हैं, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQ 47 हमारे साथ है, जिसमें कहते हैं कि द साइकोडाइनेमिक परस्पेक्टिव एम्फसाइजेज द रोल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड अर्ली एडल्टहुड या अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसिस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर ऑर्गेनाइज विद द वर्क ऑफ, ये किसने कहा था? ये सिगमंड फ्रूड ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQ 48, सिगमंड फ्रूड कब मरे थे? सिगमंड फ्रूड जो है 1939 में मरे थे, ठीक है, 1939 में मुर्दार हो गए थे। MCQ 49, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ओरिजिनेटर्स एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू कंस्ट्रक्टिविज्म एक्सेप्ट, कहते हैं मंदर जेल में से तमाम जो है ये हमारे साथ ओरिजिनेटर और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है कंस्ट्रक्टिविज्म में सिवाय एक के, तो एल्बर्ट एलिस जो है ये कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं था, बाकी वे गोट्स की पेजिट एंड वीको एंड रोटी ये सारे जो है ये हमारे साथ कंस्ट्रक्टिविज्म का जो मॉडल था उसमें कंट्रीब्यूटर थे, इन्होंने जो है काम किया था। MCQ 50, इन विच थेरेपी वी डील सीरियस प्रॉब्लम लाइक फोबिया, एनजाइटी प्रॉब्लम एंड ट्रांसफेरेंस, तो इसको जो है हम साइकोडाइनेमिक थेरेपी में इसको हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक है। MCQ 51, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड के मुताबिक हिडन इवेंट इन ड्रीम आर, ड्रीम में हमारे साथ जो हिडन इवेंट्स होते हैं ये क्या है, ये लेटेंट कंटेंट है। लेटेंट कंटेंट से मुराद मतलब वो कंटेंट जिसमें हमें एक मैसेज मिलता हो, ठीक है। MCQ 52, रीडायरेक्शन ऑफ अ साइकोथेरेपिस्ट फीलिंग्स टूवर्ड अ क्लाइंट इज कॉल्ड ट्रांसफेरेंस, ठीक है, मतलब साइकोथेरेपिस्ट की जो फीलिंग्स है उसको आप क्लाइंट की तरफ करते हैं, तो इसको कहते हैं ट्रांसफेरेंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ 53, डैश मींस व्हेन अ पर्सन्स आइडियल सेल्फ डोंट मैच विद देयर एक्चुअल बिहेवियर, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इनकॉन्ग्रुएंस कहते हैं, ठीक है, जिसमें बंदा जो है वो अपने आप को जो है आइडियल समझता है, ठीक है, मतलब अपने आप को हर चीज़ में परफेक्ट समझता है, तो इसको इनकॉन्ग्रुएंस कहते हैं। MCQ 54, These are all technique of psychoanalytical therapy except, कहते हैं मंदरजेल में से दिए गए ये तमाम हमारे साथ psychoanalytic therapy के technique है सिवाय एक के, तो वो एक हमारे साथ cognitive therapy है, ठीक है, option भी हमारे साथ correct आता है, which is cognitive therapy। MCQs 55 की तरफ आ जाते हैं, जिसमें कहते हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड के मुताबिक एक्चुअल इवेंट इन ड्रीम, ड्रीम में जो एक्चुअल इवेंट हमें देखने को मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको मैनिफेस्ट कंटेंट कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ 56, डैश इज अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, तो बिहेवियरिज्म ये हमारे साथ एक मॉडल है जिसमें हम बिहेवियर पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, बिहेवियर्स को नोट करते हैं। MCQ 57,
डेश फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। सो सोशल लर्निंग थ्योरी जो है ये क्या करती है, फोकस करती है लर्निंग पर, जिसको हम ऑब्जर्वेशन के जरिए करते हैं। MCQs 58, अ पर्सन विल नेवर थिंक ऑफ हर होम एड्रेस एट दैट मोमेंट, बट व्हेन हर फ्रेंड आस्क फॉर इट ही शी कैन इजिली रिकॉल इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच। तो ये हमारे साथ प्री कॉन्शियस की एग्जाम्पल है, ठीक है। MCQs 59, In Maslow hierarchy of need, achievement, mastery, recognition, respect is considered as self-esteem. ठीक है, ऑप्शन डी हमारे साथ करेक्ट आता है। The most important concept of Roger theory of personality is the self. Roger theory of personality में उन्होंने जो major बात की थी, जो बुनियादी बात की थी, वो self के बारे में की थी, अपने आप के बारे में की थी, ठीक है। MCQ 61, following are the major perspective of psychology except counseling, ठीक है। MCQ 62, counseling is a profession that aim is to promote personal growth and productivity. Option A हमारे साथ correct आता है। MCQ 63, the stage of the perceptual process at which stimuli are interpreted and given meaning is called translation, ठीक है, option D हमारे साथ correct आता है। MCQ 64, in which stage or period of adulthood a person reaching and maintaining satisfaction in a career, तो ये हमारे साथ middle adulthood होता है। MCQ 65, dash work to govern some of the age related event is in society is called social clock, ठीक है। MCQ 66, expecting the best possible outcome from any given situation is called optimism, इसको क्या कहते हैं, optimism कहते हैं, option B हमारे साथ correct आता है। MCQ 67 हमारे साथ है, जिसमें कहते हैं कि द टर्म स्टीरियोटाइप डिराइव फ्राम द ग्रीक वर्ड से, टर्म स्टीरियोटाइप जो है ये निकला हुआ है ग्रीक वर्ड से, ठीक है, ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQ 68, स्टीरियोटाइप वॉज फर्स्ट यूज इन द मॉडर्न साइकोलॉजिकल सेंस बाय अमेरिकन जर्नलिस्ट वॉल्टर लिपमैन इन 1922 में, इन्होंने जो है सबसे पहले इस स्टीरियोटाइप वर्ड को यूज़ किया था। MCQ 69, one personal private sense of maleness or femaleness is known as gender identity, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQ 70, wrestler are always have fat bodies is a dish, तो ये हमारे साथ एक stereotype है, मतलब जो wrestler होते हैं उनकी जो body है वो हमेशा फिट होती है, तो ये एक स्टीरियोटाइप है, ठीक है, जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बिहेवियरल साइकोलॉजी के, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, अगर फिर भी मसला है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहे।